टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है भारत, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के पार्टिसिपेशन पर आ रही है बहुत ही बड़ी आफत। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 19 नवंबर 2021 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज के आज होने वाले दूसरे टी20 मैच से पहले दो तीन बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच बाइलेटरल सीरीज को लेकर पीसीबी चेयरमैन की तरफ से हमें बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिला है और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाई वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर एक छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज को लेकर, जहां पर पहले टी20 मैच में भारतीय टीम जीत चुकी है, 1-0 से फिलहाल लीड हासिल कर रखी है और दूसरा टी20 मैच आज भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से रांची के मैदान पर देखने को मिलने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग और रोमांचक मैच होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले की शुरुआत से पहले इस मैच के रिगार्डिंग दो तीन बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं उन सभी बड़े अपडेट्स की। तो पहला अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है इस महामुकाबले में भारतीय टीम के बॉलिंग डिपार्टमेंट में होने वाले बदलाव को लेकर। जहां टिल नाउ जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि पहले टी20 मैच में युजवेंद्र चहल को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन सेकंड टी20 मैच में डेफिनेटली रांची की पिच कंडीशंस को देखते हुए युजवेंद्र चहल को भारत की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। लेकिन किसको बाहर किया जाएगा, यह बड़ा सवाल होने वाला है। हालांकि अगर यहां पर युजवेंद्र चहल को शामिल किया जाता है तो भाई अक्षर पटेल के बाहर जाने के जो चांसेस है वो यहां पर काफी ज्यादा है। लेकिन भाई यहां पर क्या बदलाव आपके मुताबिक हो सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो ये अपडेट निकल कर आ रहा है क्राउड को लेकर। जी हां, फाइनली यहां पर बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप सभी क्रिकेट फैंस के लिए निकल कर आ रही है। पहले ऐसी रिपोर्ट थी कि भाई रांची के मैदान पर हमें 50% ऑडियंस देखने को मिलने वाली, लेकिन भाई फाइनली यहां पर कल बीसीसीआई ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई इस महामुकाबले के लिए भी 100% क्राउड को यहां पर अलाउ किया गया है। फुल ऑडियंस के साथ हमें यह महामुकाबला देखने को मिलेगा और इस मैच को देखने में हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। जी हां, टिल नाउ जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले दूसरे टी20 मैच को देखने के लिए महेंद्र सिंह धोनी अपनी फैमिली के साथ वहां पर मैदान में मौजूद हो सकते हैं। हालांकि जो चांसेस है वो यहां पर काफी आई है, 90% चांसेस ऐसे कि महेंद्र सिंह धोनी यहां पर मैच देखने आएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर महेंद्र सिंह धोनी आते तो भाई उसे किस चीज पर ज्यादा इंपैक्ट होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली बाइलेटरल सीरीज को लेकर। जहां कल यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ की तरफ से हमें एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली बाइलेटरल सीरीज को लेकर देखने को मिली है, जहां पर भाई उन्होंने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली ऐसा बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल किसी भी टाइप की कोई भी बाइलेटरल सीरीज की कंडीशंस नहीं है। मतलब भाई यहां पर अब आने वाले कुछ टाइम में हमें बाइलेटरल सीरीज तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन भाई ऐसा हो सकता है अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई चाहे तो किसी अनदर कंट्री में हमें ट्राई सीरीज देखने को मिल सकती है, 3 टीमों की सीरीज देखने को मिल सकती है। लेकिन इस सिचुएशन के रिगार्डिंग जैसे कोई फर्दर अपडेट हमें देखने को मिलता है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट इंडिया पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी वीवो आईपीएल 2022 को लेकर। जी हां, बीसीसीआई फिलहाल पूरी तरह से जोरों शोरों से आईपीएल 2022 की तैयारियों में जुटा हुआ। इस मंथ में हमें सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट के बारे में पता चल जाएगा, उसके बाद भाई नेक्स्ट मंथ के एंड में हमें ऑक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो दो नई टीमें अहमदाबाद और लखनऊ की टीम है, दोनों टीमों को स्पेशल पिक्स के लिए यहां पर चॉइस दी जाएगी, 3-3 खिलाड़ियों को ये दोनों टीमें नीलामी से पहले अपनी टीम में शामिल कर सकती है और आने वाले 1-2 दिनों के अंदर नीलामी के जो फाइनल रूल्स की लिस्ट है वो भी हमें देखने को मिल जाएगी। और भाई जैसे यहां पर वो फाइनल लिस्ट आ जाती है तो अपडेट आपको अपने चैनल पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर 2025 में एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी का कमबैक होने के लिए जा रहा है और आईसीसी ने उसके होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिए हैं। पाकिस्तान यहां पर इस टूर्नामेंट को होस्ट करने वाला है, जिसके बाद भाई अब भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्किप करने के जो चांसेस है वो यहां पर काफी ज्यादा हद तक बढ़ गए, क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि भारत की टीम पाकिस्तान के दौरे पर नहीं जाती, जिसके चलते यहां पर केवल दो ही सॉल्यूशंस है, या तो भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को स्किप कर दे या फिर यहां पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो इस टूर्नामेंट को किसी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट करे, यानी वही यूएई में यह टूर्नामेंट हो, तो ही यहां पर यह टूर्नामेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है अबू धाबी T10 लीग 2021 को लेकर। जी हां, फाइनली आज से यहां पर इस टूर्नामेंट का आगाज होने के लिए जा रहा है। कलर्स और रिश्ते सिनेप्लेक्स इन दोनों टीवी चैनल्स पर हमें इस पूरी की पूरी लीग की लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलने वाली है, जहां पर काफी सारे बड़े बड़े खिलाड़ी इस लीग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 10 ओवरों के यहां पर सभी मैच होने वाले, और भाई आप सभी को बताया कि पहले भी यहां पर मतलब इसके पहले भी सीजन हो चुके जो जिनको देखने में हमें काफी ज्यादा मजा आया था। यूट्यूब पर आप उन सभी सीजन को देख सकते हैं, लेकिन भाई यहां पर कुछ भारतीय खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके चलते जो रोमांच है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरे वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ी जिस तरह से आईपीएल में पार्टिसिपेट करते हैं, उसी तरह से अबू धाबी T10 लीग 2021 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो भाई फाइनली आज से इस टूर्नामेंट का आगाज होने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों ये आज 19 नवंबर 2021 की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.